होटल द क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस मकरोनिया रोड सागर मध्य प्रदेश। मूसलाधार बारिश में उफनती नदी, पुल के ऊपर करीब 3 फीट तक पानी, इस पार से उस पार जाना मानो पूरी तरह से नामुमकिन। ये सारे इंतजाम किसी के दुनिया में आने से पहले के स्वागत की तैयारी लग रहे थे। जिंदगी और चुनौतियों का तो चोली दामन का साथ है। ऐसा ही एक उदाहरण सागर जिले के राहतगढ़ के सैमर मेड़ा गाँव से सामने आया है। यहाँ से एक गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर उफनती हुई नदी का पुल पार करवाया गया और इसके बाद जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय है। आदिवासी वीर सिंह की पत्नी को प्रसव पीड़ा, गांव को कस्बे से जोड़ने वाले पुल पर नदी का कब्जा था। भारी बारिश के चलते पुल पर करीब 3 फीट पानी था, इस पार से उस पार नहीं जाया जा सकता था। 108 को भी फोन नहीं लग रहा था, ऐसे में केवल हिम्मत और हौसला ही था जो नैया पार लगा सकता था। गांव वालों ने एक खाट पर गर्भवती महिला को लिटाकर अपने कंधों पर उठा लिया और करीब एक दर्जन लोगों की चेन बनाकर थरथराते पुल को पार किया। लेकिन पुल के उस पार पहुंचते ही प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। कहते हैं ना, जाखों राखे साईं या मार सके ना कोई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दी। दोनों को ऑटो से सुरक्षित अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। निकल नहीं पाए, रास्ता में डिलीवरी हो गई। तो आपने 108 को फोन नहीं लगाया? निकल ही नहीं पा रहे थे। 108 को फोन लगाया था, लगा नहीं है, तो फिर हमने की अब निकल चलेंगे अपन। तो घर से कहाँ से आए थे आप? घर से खाट पे लाए थे हम, नदी पार करी थी एक हिस्सा में। अच्छा, कितने लोग लिए थे? कम से कम 20-25 लोग साथ आए थे उतरवाने के लिए, नदी उतरवाने के लिए। तो ये कैसे आए सेमरा से? सेमरा से खड़िया पे रख के ले। कहाँ तक? नदी के इस पार। फिर नदी कैसे पार की आपने? खड़िया पे रख के ले आए, बहुत सारे लोग पकड़े थे। अच्छा। और हम लोग को भी 10 लोग पकड़े थे बीच में हम। अच्छा। हाँ। फिर नदी इसके बाद में ऑटो से आए? हाँ, नदी इस पार रखी, ऑटो इस पार रखी थी नदी के, तो फिर ऑटो में रख के ले। आप किस वक्त से हैं? 8 तारीख से। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए राहतगढ़ से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।